मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, आपको डरना नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ कि लोग मंच पर बोलने से ही डरते हैं, बिल्कुल छोटा सा काम है। ये डर आपका 1, 2, 3, 4 बार में खत्म हो जाएगा। आप स्टेप उठाइए, और इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे स्पीच भी देता रहता हूँ। दिवाली पर आपको जहां भी अवसर मिले, आप ये स्पीच बोल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्पीच है। आपने पूरी तैयारी के साथ इस स्पीच को बोलना है। शुरुआत कीजिए। मिटे मन का अंधकार, जीवन में नया प्रकाश हो। मिटे मन का अंधकार, जीवन में नया प्रकाश हो। दियों की जगमग हो चहूं और जन जन में हर्षोल्लास हो। सबसे पहले आप सभी को दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बंधुओं, नारी शक्ति एवं बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। भारतवर्ष विविधताओं में एकता का प्रतीक है। भिन्न भिन्न संस्कृति, अलग अलग प्रांतों के त्यौहार हमारे लिए नई उमंग और खुशियाँ लेकर आते हैं। दीपावली का उत्सव हमें आपसी पारिवारिक जिम्मेदारियों, आपसी बंधुता और अमन की प्रेरणा देता है। इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धर्म से अधर्म पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हम धर्म का पालन करें। सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम स्वयं के प्रति जागरूक हों, अपने दुर्गुणों को दूर करें। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो। शख्सियत महक उठेगी, बस खुश रहा करो। हम इंसान हैं और इंसानियत यही है कि आपस में मिलकर रहें, रिश्तों को प्रेम से निभाएं, हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रणी रहें। मन में सभी के प्रति मंगल कामना रहे। हमारे भारतीय त्यौहार हमें प्रेरणा देते हैं। पकवान बनाना, पटाखे फोड़ना, उपहार देने के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस दिन प्रेरणा क्या लेते हैं। दिवाली का यही महत्व है कि हम अपनी पवित्र भावनाओं के प्रकाश से अपने दुर्गुणों के अंधकार को दूर करें, अपने अंदर बैठे रावण का वध करें, हर तरफ हरियाली हो जाए, जीवन में खुशहाली हो जाए। हर तरफ हरियाली हो जाए, जीवन में खुशहाली हो जाए। कुछ ऐसे संकल्प लें जीवन में कि हर दिन दिवाली हो जाए। जिस तरह हम लोग दिवाली या विशेष उत्सव पर खुश होते हैं, वैसी खुशी हर दिन होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का पालन करते हुए मानव धर्म को अपनाएं। किसी भी विशेष उत्सव पर हमारा एकत्रित होना हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करता है। रिश्तों में मधुरता आती है। संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जिस आंगन में प्रेम हो असल वहीं परिवार होता है। आपस में कुछ लोग मिलकर जब ऐसे अवसर मनाते हैं तो परिवार बन जाता है। आज के आयोजन से मुझे बहुत खुशी है। इस मंच पर छोटी छोटी प्रस्तुतियां बहुत सुंदर थीं। आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जो आपने इस दिवस को अपने भावों से पवित्रता दी। सभी को उनके पारिवारिक जीवन के लिए हार्दिक दुआएं। एक बार पुनः आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। समृद्धि के आंगन में ही दिवाली का दीदार होता है। समृद्धि के आंगन में ही दिवाली का दीदार होता है। प्यार की खुशबू आती हो जहां, वहीं उत्सव त्यौहार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद या जय श्री राम। तो दोस्तों, इस तरह से आप भाषण दीजिए। और अगर आपको किसी भाषण की या संचालन की, मंच संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।